चाय का पौधा भी आपका एक बार लगाने से 100 साल जाता है, तो इसलिए हम जो एचडीपी पाइप है वो अंडरग्राउंड करेगा, वो अंडर 100 साल रहेगा। हम लोग लास्ट ईयर किया था, वो हम लोगों को बहुत सक्सेस भी मिला है, उसी हिसाब से 43 हेक्टर हमने यहाँ पे प्लांटेशन कर रहा है। जेन इरीगेशन के साथ हमने टाई अप किया, उसी के हिसाब से हम लोग इरीगेशन के लिए अभी इंतजाम कर रहा है। मेरा नाम डेविड रास्कुआ है, मैं हुकान पुखुरी टी स्टेट का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। जो हम लोग का हुकान पुखुरी जो टी स्टेट है उसका दो डिवीजन है, एक कोचुजान डिवीजन और एक हुकान पुखुरी डिवीजन। मैं हुकान पुखुरी डिवीजन का इंचार्ज हूँ। यहाँ पे 43 हेक्टर का हम प्लांटेशन करने के लिए अभी चला है। इसके लिए हम लोग को पानी बहुत ज़रूरी है। बारिश जब आता है तब तो पानी मिल जाता है, जब सूखा दिन है तब तो मौसम साथ नहीं देता है। इसलिए हम क्या किया है, हम लोग को यहाँ पे इरीगेशन करना पड़ता है। जो हम लोग हम जो बागान से कंपनी से जेन इरीगेशन के हम लोग का ये जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, हम उनके साथ टाइप किया है, वो आके देखा है कैसा कैसा करने से ठीक होगा, वो आके देख लिया। और लास्ट डेट में जेन इरीगेशन मेरा जो कोचुजान डिवीजन है वहाँ पे भी ये लोग काम किया था, और उसका काम हम लोग का फ़ायदेमंद लगा, अच्छा लगा। जो लोग का सामान वगैरह दे रहा है, पाइप वगैरह हो, स्प्रिंकलर जैसे हो, इसे उन लोग का अच्छा मिलता है मतलब, और सालों भर जाता भी है, वो अच्छे से काम भी करता है। एचडीपी पाइप है P100, यह है हम जेन से लिया है, ऑर्डर किया था, और ये मजबूत है बहुत, क्योंकि हम लोग का अभी बागान का भीतर में काम जारी होता है। जो वर्कर्स रोज़ मेरा वर्कर्स काम करता है, आपका 150-200-250 तक वर्कर्स काम करता है, जो कैजुअल है। यहाँ पे दरब दरब हम लोग स्प्रेइंग करता है, स्प्रेइंग भी करना पड़ता है। तो क्या होता है, हम जगह जगह ये एचडीपी पाइप जो मेन लाइन है वो अंडरग्राउंड कर रहा है, ठीक है। अंडरग्राउंड करने से क्या होगा, वहाँ पे ऊपर से फिर हम बंद करना पड़ेगा। अंडरग्राउंड करने के बाद उसके ऊपर तो गाड़ी चलता रहेगा, आना जाता रहेगा, मेरा काम जारी रहेगा, ट्रैक्टर जाएगा, आपका ऐसे पत्ती लेने के लिए गाड़ी भी आएगा। तो क्या होता है, हम ये पाइप लास्ट ईयर हम जो यूज़ किया है, इसका ऊपर गाड़ी चलने से भी मतलब ये कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब उसका मतलब हार्ड है, मजबूत है, और क्वालिटी भी बढ़िया है। तो इसी नाते हम ये एचडीपी पाइप और बेहतर लगा है, तो यही चूज़ किया है। जब ड्राई टाइम होता है, हम जैसे आपको मान लीजिए मई जून थोड़ा ड्राई होता है, थोड़ा धूप भी निकलता है, तो बारिश भी होता है, कभी कभी धूप निकलता है, उसी टाइम में क्या होता है, हम इरीगेशन पानी नहीं होता है, तब हमें इरीगेशन चालू करता है। जो उसी हिसाब से हम इरीगेशन करता है पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। जो पानी जब तक स्ट्रेस मोच्छर क्वान्टिटी कम हो जाता है, जब मोच्छर बढ़ने लगा हम स्प्रिंकलर लगाते हैं, उसी हिसाब से हम स्प्रिंकलर करता है, और ये तब पत्ती भी आता है बढ़िया से। अगर पानी तो मिलना चाहिए पौधे के लिए, पौधे में पानी तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो पानी के लिए इसलिए हम स्प्रिंकलर आपका इरीगेशन सिस्टम चालू करता है। लास्ट टाइम में हम जो लगाया था कुछ दिन में, उसका हम यहाँ पे अच्छा लगा काम करने में, और अच्छा भी हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए हम जो एचडीपी पाइप है वो अंडरग्राउंड करेगा, वो अंडर 100 साल रहेगा, तो हम लोग का भी मतलब ठीक होगा।